Hello everybody, question number 29, this is your doubt. Mark it first of all, double star category question. It says, serial numbers for an item produced in a factory are to be made using two letters followed by four digits. Please understand the concept. कोई भी कंपनी में ना प्रोडक्ट की कोडिंग होती है, कई बार कोडिंग मंथ वाइज एंड लॉट वाइज होती है, कि जैसे कई बार प्रोडक्ट्स पे देखते हो लिखा होता है JAN 27, तो JAN मतलब ये जनवरी में बना है और जनवरी में 27 लॉट में ये प्रोडक्ट बना है। लॉट का मतलब होता है देयर इज अ लॉट साइज, कि हम 10,000 पीस को एक लॉट कहते हैं। तो क्यों ये चीजें की जाती हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, कि जनरली कई बार किसी चीज में डिफेक्ट आ जाए तो कंपनी पूरा माल नहीं चेक करेगी, वो पहले उस प्रोडक्ट पे देखेगी कौन सा लॉट था, उस लॉट का मटेरियल क्रॉस चेक होगा। ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन रियल लाइफ एग्जांपल वहां से उठाया गया। वो क्या कह रहा है, सीरियल नंबर्स फॉर एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, तो किसी आइटम को सीरियल नंबर देना, मेड बी विल बी मेड यूजिंग टू लेटर्स, तो सीरियल जो है उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर पहले दो उसके क्या होंगे, लेटर्स होंगे, लेटर्स मतलब ABCDEF कुछ भी, फॉलोड बाय फोर डिजिट्स 0 to 9, अगले चार क्या होंगे, फोर डिजिट्स होंगे। इज दैट क्लियर? इफ द लेटर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विदाउट रेपिटिशन, कहानी समझ में आई? वो कहता ये जो दो लेटर्स है ना इनके लिए क्या कंडीशन है, लेट्स सपोज कोई भी मन में सोचो 6, मैं कहता हूं ये 6 है ABCDEF, ठीक है, इनमें से चुनना है कोई भी 6 लेटर्स, ये बोल रहे, ठीक है, एंड विदाउट रेपिटेशन, मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो पहले इन चारों को भूल जाओ, लेट्स वर्क ऑन दिस। हाउ मेनी वेज दिस स्पेस कैन बी फिल्ड, 6 वेज, हाउ मेनी वेज दिस स्पेस कैन बी फिल्ड, क्या ये बात सबको समझ आई, बोलो श्योर? आगे, एंड द डिजिट ऑल्सो नॉट रिपीटेड इन अ सीरियल नंबर, हाउ मेनी सीरियल नंबर्स आर पॉसिबल। नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइस, बी वेरी केयरफुल, हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, पक्का 10 or 9? 10 ways, सीरियल नंबर, पासवर्ड, आप देखो आप अपने फोन का पासवर्ड रख सकते हो ना 0000, बोलो, तो जब भी पासवर्ड आए, सीरियल नंबर आए, कोडिंग आए, क्योंकि इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ नंबर विच इज जनरेटेड बाय आर ओन विल, इज दैट क्लियर? तो ये हमारी मर्जी से बना हुआ नंबर है, तो मैं उसकी स्टार्ट 0 से कर सकता हूं। गॉट दिस पॉइंट? तो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी बिल्ड, 10, रेपिटेशन नॉट अलाउड, 9, 8, कहा ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं आप, ठीक है, अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई, कोई बच्चा करेगा, लेट्स क्रॉस चेक द आंसर, आंसर पढ़ के तो नहीं बोल रहे, मल्टीप्लाई कर लिया मेरे बच्चे, सो आंसर इज 15120, ठीक है जी, लॉजिक समझ आ गया। यहां पे 6 नंबर थे, अच्छा लेट्स मूव, यहां पे 6 नंबर ना होते कुछ भी होता तो क्या लिखते, 26 and 2, पहले बड़ी करिए,